सो लो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा लोडर के सेंटर में जो हमारा दिया रहता है, लोडर जो हम चलाते हैं तो वहाँ पे एक बटन दिया रहता है, वो बटन क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, कहाँ हमको यूज करना है, वो चीज़ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि ये जो हमारा बटन रहता है वो क्लच का भी काम करता है, किस तरीके से जब आप उसको दबाते हैं तो पूरा जो है कि गाड़ी ऑटोमेटिक जो रहता है ना, न्यूटन हो जाती है, जो कि आप ब्रेक मारेंगे गाड़ी रुक जाए, गियर जो है एकदम हट जाता है वहाँ से। तो चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं क्लच किस तरीके से उसमें काम करता है, किस तरीके से उसमें जो बटन दिया रहता है लोडर में किस तरीके से काम करता है, कैसे हमको लगाना है। तो चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो हमारा लोडर का यहाँ पे लीवर है, इसमें एक बटन रहता है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बटन रहता है, जो कि यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक बटन है। इस बटन का क्या काम रहता है, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, लोडर चलाते हैं, रोड पे चलाते हैं, जब भी एक्सीलेटर में आप चलाते हैं गाड़ी तेज करके, तो आप इसको दबाएंगे ना तो गाड़ी आपका न्यूटन हो जाएगा, गाड़ी आगे नहीं जाएगा, जितना एक्सीलेटर रहेगा उसी पे रुक जाएगा और एक्सीलेटर आपका काम नहीं करेगा, आप कितना भी एक्सीलेटर दीजिए काम नहीं करेगा और गाड़ी आगे नहीं जाएगा। ब्रेक मारेंगे जितना भी, मतलब कि न्यूटन में जितना आपका गाड़ी जा सकता है उतना जाएगा, मतलब डुगुर के जाना रहे चला जाएगा, और ब्रेक मारेंगे तो बहुत ही आसानी से रुक सकता है। देखिए यहाँ पे कैसे काम है इसका, यहाँ पे देखिए हमारा गाड़ी है, यहाँ पे हम गियर लगा दिए, हमारा गाड़ी आगे जा रही है, इसको हम क्लच को दबा दिए, बटन को दबा दिए, जो स्विच है इसमें दबा दिए, दबाने के बाद देख सकते हैं हमारा गाड़ी जो है कि एकदम स्लो हो गया, नहीं जाएगा आगे, रुक गया एकदम। अगर रैंप रहेगा तो गाड़ी आपका आगे जाएगा, रैंप नहीं रहेगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक आपका रुक जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से रुक गया है। और जो कि जब आप इसको छोड़ेंगे ना, इसको इस तरीके छोड़ दिया तो हमारा गाड़ी आगे जाना स्टार्ट हो गया, फिर आप दबा दिए फिर ये रुक गया, देख सकते हैं दबा दिए, फिर जहाँ तक जाना रहेगा वहाँ तक जाएगा, फिर रुक जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप ब्रेक मारेंगे, बहुत ही आसानी से जब ब्रेक मारेंगे ना तो गाड़ी आराम से रुक जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसका क्लच का यही काम रहता है, जो बटन है, कि जब भी आपका गाड़ी न्यूटन हो जाता है, मतलब इसको दबाने से जब भी आपका गाड़ी न्यूटन हो जाता है, आप ब्रेक मारेंगे तो बहुत ही आसानी से रुक सकता है। और इसका यही काम रहता है जब भी लोडर चलाते हैं, रोड में चलाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये, अब यहाँ से हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद देख सकते हैं गाड़ी हमारा पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, और यहाँ पे हम इसको दबा दिए, बटन को दबा दिए, तो जो हमारा गाड़ी पीछे जाना है, पीछे जाना यहाँ पे बंद हो गया, देख सकते हैं पीछे जाना बंद हो गया, और इस बटन को हमने दबा के रखा, जो छोड़ेंगे फिर हमारा गाड़ी पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समझिए इस बटन का क्या काम रहता है, इस बटन का यही काम रहता है कि गाड़ी जो है पीछे हमारा नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, जब भी आप दबा देंगे, कितना भी एक्सीलेटर दीजिए तो गाड़ी हमारा आगे पीछे नहीं जाए। देखिए अभी हमारा गाड़ी पीछे जा रहा है ना, जब भी हम एक्सीलेटर, कितना भी एक्सीलेटर दे रहे हैं, गाड़ी हमारा हिलेगा नहीं, यहीं यहीं रहेगा, जब तक आप इस क्लच को छोड़ेंगे ना, इस बटन को छोड़ेंगे ना, तब तक हमारा गाड़ी पीछे नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। इसका यही काम रहता है कि जब भी अचानक में एक्सीडेंट होने वाला है, कोई आगे आगे आपके, तो आप इसको डाल सकते हैं, इसको दबा सकते हैं और यहाँ पे ब्रेक मार सकते हैं, तो गाड़ी आपका अचानक से रुक जाएगा। और जो कि आप कितना भी तेज में स्पीड में है, अगर एक्सीडेंट होने वाले इसको दबाएंगे ना, तो मतलब जितने डुगुर के जाना रहेगा, जितना न्यूट्रल में जाना है, उतना ही चोट लगेगा और एक्सीलेटर वाला चोट नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।